अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊँगी अपना मोस्ट फेवरेट फास्ट फूड। तो आइए आपको बताते हैं बहुत ही मज़ेदार चिकन ग्रिल बर्गर बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए चिकन चेस्ट पीस, एक कंप्लीट चेस्ट पीस के इस तरह से 6 पीसेस बना लेंगे, मतलब एक चेस्ट पीस जो होगा उसके इस साइज़ के इस तरह के 6 पीसेस बनेंगे। इन्हें अच्छे से धोकर बाउल में ले लिया है। ये एक पीस एक बर्गर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा, या मैंने ऐसे 6 पीसेस लिए हैं। अब इन पीसेस को मैरिनेट करने के लिए मसाला लगाएंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 कंप्लीट स्पून रेड चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 1.5 टेबल स्पून सिरका विनेगर, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। अब हाथों को अच्छे से धो के हम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से कि मसाला सारे पीसेस के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। इस तरह से मसाला जो है वो अच्छे तरीके से सारे पीसेस के दोनों साइड्स पे लग गया हुआ है, मिक्स हो गया अच्छे से। इसे हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। जब तक चिकन मैरिनेट होगा हम बर्गर सॉस तैयार कर लेंगे और इन चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। इसके हमारे पास है अनियन, बंद गोभी और टमाटर। इनको हमने रिंग शेप में काट लिया हुआ है। अनियन को इस तरीके से रिंग शेप में काट लिया और इसी तरीके से टमाटर भी हमने रिंग शेप में काट लिए हैं। सॉस की रेसिपी के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हैं। मैरिनेट होने के बाद चिकन को ग्रिल होने के लिए नॉनस्टिक चिकन ग्रिल पैन में हमने डाल दिया है। थोड़ी देर बाद चिकन पीसेस की साइड जो है वो चेंज कर देंगे हम। चिकन ग्रिल हो गया, आइए अब हम बर्गर रेडी करते हैं। मज़ेदार सा चिकन ग्रिल बर्गर तैयार है। आप भी घर पर ट्राई करें, हमें फीडबैक दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह।